नमस्कार बच्चों, आप सभी को नारायणा रिवीजन असाइनमेंट में स्वागत है। आज तक हम अमेजिंग असाइनमेंट देखे, ये रिवीजन असाइनमेंट है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर हम असाइनमेंट कर चुके हैं, ये रिवीजन करने जा रहे। फिर विषय क्या है बेटा? नहीं रहा अब कहीं अंधेरा। ये जो पार्ट वन है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत सारे वर्कशीट कर चुके हैं। फिर आज का क्या है, देखिए पाठ में आए नए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ, यानी कुछ शब्द इस तरह से है और उनके अर्थ दूसरी तरफ है, तो हम क्या करना है, शब्द के सही अर्थ को मिलाना। देखिए बेटा, देखिए सवेरा, सूरज, आलस, अंधेरा, ये शब्द है और अर्थ क्या दिए है, अंधकार, सुबह, सूर्य, सुस्ती। थोड़ा समझ में आया ना? चलो अब करेंगे। सवेरा, सुबह सवेरा, क्या बोलते हैं, सुबह सवेरा। देखिए सवेरे का अर्थ क्या है, सुबह, सुबह से मिला दिया। ओके बेटा, और सूरज, सूरज हमें वहां पर रवि भी दिए हैं किताब में, याद है, हाँ, रवि और सूर्य, रवि और सूर्य, सूर्य सूरज, तो सूरज को सूर्य से मिला दिया। ठीक बेटा, और आलस, आलस का मतलब क्या है, सुस्ती, बहुत लेजी, लेजीनेस, हाँ, आलस का मतलब सुस्ती, क्या है शब्द, आलस सुस्ती। अंधेरा, उस शब्द में ही है अंधेरा, कैसा होता है, पूरा अंधकार, डार्कनेस। ओके बेटा, तो अंधेरा को हम किससे जोड़ना है, अंधकार, अंधकार से जोड़ना है। तो यहाँ पर हम नए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाए, एक बार देखिए, सवेरा, सुबह, सूरज, सूर्य, आलस, सुस्ती, अंधेरा, अंधकार। ठीक बेटा, दूसरे रूप में जाएंगे। चलो, दिए गए शब्दों में से अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। क्या करना है, दिए गए जो शब्द है उसमें अलग अर्थ वाले शब्द, यानी पूरे एक दो तीन चार शब्द दिए है, उसमें एक अलग शब्द रहेगा, बाकी पूरे समान अर्थ देने वाले, जैसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। करेंगे क्या, चलो, पक्षी, तितली, चिड़िया, खग, यहाँ पर पक्षी है, चिड़िया है, खग है, सभी पक्षी के अर्थ देते हैं, लेकिन ये तितली एक नमूना का जो पक्षी है, अंडरस्टूड बेटा, यानी वह ये सबसे अलग है, ऑड वन आउट करना है बेटा। अब पक्षी के पर्यायवाची हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, पक्षी, चिड़िया, खग, समझ में आ रहे हैं ना। अब देखिए, गीत, गान, गाना, मीठा, क्या है, गीत, गान, गाना, ये सब गाने के बारे में दिए हैं। मीठा, मीठा क्या है, स्वीट, उससे संबंध है, नहीं है, तो ये ऑड वन आउट है। अब ये निकाल दिए तो गीत, गान, गाना, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सुगंध, गंधी, खुशबू, महक, क्या है, सुगंध, गंधी, खुशबू, महक, क्या दिखाई दे रहा आपको, थोड़ा अलग से, हाँ, ये क्या है, सभी सुगंध, अच्छे स्मेल देने वाले, और ये गंधी, गंधी जो शब्द है अलग है, तो अब हो गए पर्यायवाची सुगंध, खुशबू, महक। ठीक बेटा, तो इस तरह से हम शब्दों के अर्थ देख लिए और ये जो अलग अर्थ वालों को हम हटा दिए। तो इस तरह से अन्य वर्कशीट्स भी आप घर पर करिए, अच्छे से घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।